Helping Hands Foundation is associated with Tata Memorial Pediatrics, and they are helping generate funds for patients who are suffering from cancer and cannot afford it. And they're supporting 150 families, which I think is an amazing number. And unfortunately, cancer has become so rampant, and we hear of it so often. And sometimes we don't realize how difficult it is for the families till we actually go through it ourselves. So I just feel as if at all people who can't afford it and people who really need the help, such foundations really help in getting them out of their, you know, out of their situation. And this is a very, very noble cause. So Madhavi Goenka ji, ko main seriously namaskar kehna chahti hu, because unhone kaafi saalon se ये फाउंडेशन में इतना काम किया है एंड इतने बच्चों को इतने फैमिलीज को उन्होंने रिलीफ दिया है. सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड मुझे इस बार जब इसका पता पड़ा, आई जस्ट लाइक टू लेट माधवी जी नो दैट आई एम ऑलवेज देयर फॉर दिस कॉज एंड एनीथिंग दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प. एंड यहां पर ढेरों सारे एग्जीबिशन भी हैं जी, आप देखने वाले ये सारे? बिल्कुल. आई मीन द होल आइडिया ऑफ दिस फंड रेजर इज हैविंग अ लॉट ऑफ डिजाइनर्स, अ लॉट ऑफ पॉपुलर अपकमिंग इंडियन डिजाइनर्स शोकेसिंग देयर स्टफ. एंड यहाँ पर जो भी शॉपिंग की जाएगी उसके प्रोसीड्स, उसका कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोसीड्स विल गो टू दीज किड्स एंड गो टू दीज फैमिलीज. सो बिल्कुल आज यहाँ पर शॉप तो करना ही है. और इट्स आई हैव अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो यहाँ पर अपनी लाइन शोकेस कर रहे हैं. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जिनको मैं बहुत पर्सनली जानती हूँ वो यहाँ पर है, जैसे हाइला खान, चांदनी चना, दे आर माई स्कूल फ्रेंड्स. एंड इट फील्स रियली नाइस दैट वी हैव ग्रोन अप विद दिस आइडिया दैट वी हैव टू हेल्प इन सम वे और द अदर. एंड वेरी हैप्पी दैट वी आर डूइंग इट टुगेदर इन सम वे. क्योंकि तमन्ना जी दिवाली भी आ रहा है, तो हम ऐसा माने कि यहाँ से ढेरों सारी शॉपिंग आप परचेस करने वाली हैं, ढेरों सारी चीज़ें आप. शॉपिंग के लिए आज तक किसी को किसी ओकेजन की ज़रूरत नहीं पड़ी है. दैट्स वाई सच अ पॉपुलर थिंग विद द लेडीज़. ऑफकोर्स दिवाली आ रही है, तो दिवाली तो एक बहाना है एंड इस बहाने का तो पूरा इस्तेमाल होगा और इसकी तो पूरी पूरी कसर निकलेगी. सो यस, डेफिनेटली वुड लव टू डू सम दिवाली शॉपिंग फ्रॉम हियर. एंड ऑल्सो इट्स सच अ नोबल कॉज दैट आई एम श्योर दैट शॉपिंग फ्रॉम हियर इज द बेस्ट आइडिया. इस साल मैं मुंबई में हूँ दिवाली के लिए, जो बहुत सालों के बाद मुंबई में होना हो रहा है. एंड फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, फ्रेंड्स को मिलना चाहती हूँ, डूइंग ऑल द रेगुलर फेस्टिव थिंग्स, बट आई वांट टू एंजॉय द फेस्टिविटी टू द फुलेस्ट. एंड या आई मीन मुझे बचपन से दिया बनाना बहुत पसंद है, तो मैं अपने खुद के दिए बनाती हूँ, अपने दोस्तों में बांटती हूँ. एंड स्वीट्स, ऑफकोर्स एक्सचेंजिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स. सो या दैट्स द रेगुलर दिवाली अफेयर. फॉर मी, मैंने बचपन से एक्चुअली आई डोंट बर्न क्रैकर्स बिकॉज आई जस्ट थिंक दैट इट्स कॉजिंग इनफ पोल्यूशन. एंड यहाँ नाउ देयर लवली किड्स कमिंग हियर, जिनके साथ हम पिक्चर्स ले सकते हैं, वीडियोज ले सकते हैं. बहुत, देर ऑल वेरी वेरी स्वीट, देर ऑल वेरी वेरी स्वीट. आज श्रीजा का बर्थडे भी है, हमने श्रीजा के साथ बर्थडे केक भी काटा. तो वी आर विशिंग श्रीजा स्पीडी रिकवरी एंड ऑल द स्ट्रेंथ एंड लॉट ऑफ लाफ फन लाफ्टर एंड हैप्पीनेस इन लाइफ. विशिंग द सेम टू ऑल दीज किड्स. सो नाउ दिस इज आवर फोर्थ प्रोजेक्ट व्हिच तमन्ना इज आल्सो हेल्पिंग अस. इट इज फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड हु सर्वाइव्स कैंसर, बिकॉज वी फील लिविंग गर्ल्स दैट नीड टू बी एजुकेटेड पोस्ट ट्रीटमेंट. दिवाली विशेज. अच्छा, मेरी तरफ से और यहाँ पर सभी बच्चों की तरफ से विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी सेफ प्रॉस्परस फन दिवाली.